और अब खबर मुरैना से है, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते वन विभाग के लगातार अवैध उत्खनन की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर वन विभाग, पुलिस बल और सशस्त्र बल की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, और ऐसे में कार्रवाई का सुनकर माफियाओं ने गोली चलाकर आतंक फैलाने की कोशिश की। तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई चलती रही। ऐसा है कि बरबर सिंह घाट पर अवैध उत्खनन कर माफिया लोग द्वारा रेता ले जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी के तारतम्य में हमने हमारे पास स्टाफ बल कम था, तो हमने पुलिस बल और एसीएफ को साथ में संयुक्त रूप से हम मौके पहुँचे, और मौके पहुँचे तो मतलब अधिकांश माफिया तो भाग गया था, लेकिन मतलब कुछ माफिया था तो वो वोट के माध्यम से राजस्थान में पहुँचकर और टेकड़ी पर चढ़कर मतलब उनने कुछ हवाई फायर किए, क्षति तो नहीं हुई लेकिन मतलब जानलेवा हमला प्रयास करने का तो रास्ते बंद किए गए। हाँ, हमने मतलब जेसीबी के माध्यम से मतलब वहाँ दो रास्ते थे, दोनों रास्ते पे मार्ग अवरोधक खंति खोद के रास्ते बंद किए गए, और सरकारी भूमि पे डंपिंग मतलब कुछ रहता थी तो उसको भी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई।